हेलो बच्चों, आज हम लोग इक्विलिब्रियम का वीडियो नंबर 3 लेके खड़े हैं, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रिया, इट मींस ली चिटेरियर प्रिंसिपल। इक्विलिब्रियम के स्टार्टिंग हमने 2 वीडियो में देखा है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम, ऑन विच फैक्टर इक्विलिब्रियम डिपेंड, फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, और फिर केपी क्या है, केसी क्या है, केसी की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, केपी केसी में रिलेशन क्या होता है। तो स्टार्टिंग 2 वीडियो में दिस इज केमिकल इक्विलिब्रियम, हम लोग का जो चल रहा है फर्स्ट पार्ट ये है मेरा केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से आपको मिलेगा आयनिक इक्विलिब्रियम, जिसमें हम लोग एसिड बेस पीएच कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में आपके सामने है केमिकल इक्विलिब्रियम का वीडियो नंबर 3, दैट इज ली चिटेरियर प्रिंसिपल। अब तक हम लोग बात कर चुके हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है और कुछ फैक्टर भी होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और कोई भी अफेक्टिंग फैक्टर लाइक कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, इनर्ट गैस, एडीसी, कोई भी फैक्टर अगर इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करता है तो इक्विलिब्रियम के पास या इक्विलिब्रिया के पास खुद की एक टेंडेंसी होता है, ओन टेंडेंसी होता है, इंटरनल टेंडेंसी होता है कि इस अफेक्ट को वो कर देगा अंडू, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और दोबारा उसी स्टेट में चला जाएगा जिस स्टेट में था। यही कहना है ली चिटेरियर प्रिंसिपल का। एक बार फिर से, इफ अ केमिकल रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम एंड एनी अफेक्टिंग फैक्टर लाइक कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, इनर्ट गैस, इटसी अफेक्ट द इक्विलिब्रिया, देन इक्विलिब्रिया हैज ओन टेंडेंसी, नेचुरल टेंडेंसी, इंटरनल टेंडेंसी टू न्यूट्रलाइज दिस इफेक्ट ऑफ चेंजिंग या अंडू दिस इफेक्ट ऑफ चेंजिंग। मतलब कि कोई रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में है और कोई भी अफेक्टिंग फैक्टर अगर इसे डिस्टर्ब करता है तो इक्विलिब्रियम इसे खुद अंडू कर देगा और दोबारा उसी स्टेट में चला जाएगा जिस स्टेट में यह था। तो ये आपका स्टेटमेंट भी है, इफ ए केमिकल रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम एंड एनी अफेक्टिंग फैक्टर लाइक कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, इटसी अफेक्ट द इक्विलिब्रिया, देन रिएक्शन हैज ओन टेंडेंसी टू न्यूट्रलाइज और अंडू दिस इफेक्ट ऑफ चेंजिंग। यही कहना है हमारे ली चिटेरियर प्रिंसिपल का। अब लोग देखते हैं कि नेम द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द इक्विलिब्रिया, इक्विलिब्रिया को अफेक्ट करने वाले फैक्टर हमारे कौन होते हैं। द फर्स्ट फैक्टर इज कंसंट्रेशन, सेकंड फैक्टर इज टेम्परेचर, थर्ड फैक्टर इज प्रेशर, नेक्स्ट फैक्टर इज कैटलिस्ट एंड लास्ट फैक्टर इज एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। तो ये 5 फैक्टर है जो कि हमारे इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं। फैक्टर व्हिच अफेक्ट द इक्विलिब्रिया, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एंड इनर्ट गैस। अब हमें एक एक फैक्टर के बारे में इसमें बात करनी है कि ये फैक्टर इक्विलिब्रिया को किस टाइप से अफेक्ट करता है और इक्विलिब्रिया इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने आप को किस टाइप से शिफ्ट करता है या वो क्या करता है। फैक्टर 1, अफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अगर हम किसी भी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा दें या घटा दें तो इसका सीधे अफेक्ट पड़ता है इक्विलिब्रिया के ऊपर। मैंने किसी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को बढ़ाया या घटाया, किसी भी प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को बढ़ाया या घटाया, तो इससे हमारा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ इच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मस्ट बी कॉन्स्टेंट। At the time of equilibrium, the concentration of each reactant and product must be constant. But अगर मैं ये concentration को grow या fall करूँ तो equilibria हमारी affected होती है और इसको neutralize करने के लिए वो या तो forward या तो backward shift करेगा इस effect को undo करने के लिए। तो जैसे A and B both are reactant, C and D both are product, ये हमारा reactant रहा, ये हमारा product रहा। अगर हम A या B में किसी एक का भी reactant बढ़ा दें तो इक्विलिब्रिया हमारा डिस्टर्ब होगा, कंसंट्रेशन हमारी अब कॉन्स्टेंट नहीं रह गई। तो इसको मैनेज करने के लिए इक्विलिब्रियम अपने आप को शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड। अगर किसी भी एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड, या किसी भी एक प्रोडक्ट का बढ़ा तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा बैकवर्ड। इसको हम लोग समझते हैं इस एग्जाम्पल के साथ। जैसे दो मैंने बकेट लिया और दोनों के बीच में एक पाइप लगाया और मैंने इसको सेपरेट पहले किया। सेपरेट करने के बाद अब इसका सेपरेशन को अगर मैं हटा दूं तो अगर पानी का लेवल किसी में ऊपर नीचे है तो दोनों पहले लेफ्ट राइट अपने आप को करके पानी दोनों एक इक्वल लेवल पे चली आएगी। अब दोनों बकेट में पानी इक्वल लेवल में है, नाउ इट इज इन इक्विलिब्रियम। अब मैं क्या करूंगा, इधर कुछ बाल्टी पानी डाल दिया, एक बाल्टी पानी मैंने इधर डाल दिया तो इससे हमारा इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हुआ। इसको मैनेज करने के लिए कुछ पानी फ्लो करेगा आगे, या एक बाल्टी पानी मैंने इसे निकाल लिया
तो इसको मैनेज करने के लिए यहाँ भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, इसको मैनेज करने के लिए कुछ पानी फ्लो करेगा पीछे, या मैंने अगर इसमें कुछ पानी बढ़ा दिया तो इसको मैनेज करने के लिए पीछे मूव करेगा, या इसमें मैंने बढ़ा दिया तो पीछे मूव करेगा, या इसमें मैंने घटा दिया तो आगे मूव करेगा। मतलब ये पूरा बकेट के सिस्टम पर हम इसको समझ सकते हैं कि अगर मैंने किसी भी एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को बढ़ाया, फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूँ PCl5 Gibbs, PCl3 एंड Cl2 ऑल आर इन गैस, सब गैस है। अब अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि PCl3 को ऐड कर दिया, इक्विलिब्रियम क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। PCl5 को मैंने कुछ घटा दिया, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगी, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। PCl3 या Cl2 में मैंने किसी एक को बढ़ाया तो क्या होगा, तो प्रोडक्ट को बढ़ाने का मतलब पीछे आना, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, या किसी एक को घटाया तो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। पूरा स्टोरी इस बकेट के ऊपर है। अगर आपने इधर पानी बढ़ाया तो पानी फ्लो करेगा आगे, पानी आपने घटाया तो पानी फ्लो करेगा पीछे, इसमें बढ़ाया तो फ्लो करेगा पीछे, इसमें घटाया तो फ्लो करेगा आगे। तो स्टेटमेंट आता है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीजेज देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, if concentration of any one of the product increases then equilibrium shift in the backward direction, if concentration of any one of the reactant decreases equilibrium shift in the backward direction। मतलब इधर बढ़ेगा तो आगे, इधर घटेगा तो पीछे, इधर बढ़ेगा तो पीछे, इधर घटेगा तो आगे। यहाँ पर मैंने एक कॉलम भी बनाया है जिसमें सारे फैक्टर को मैंने दिखाया है। अफेक्ट इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द डायरेक्शन फर्स्ट है, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ वन और मोर रिएक्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन, अफेक्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ। डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द मोर रिएक्टेंट बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि मैंने रिएक्टेंट में डिक्रीज किया है। इसी टाइप से एक दो और भी लिख सकते हैं, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ वन और मोर प्रोडक्ट बैकवर्ड डायरेक्शन, और डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ वन और मोर रिएक्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो सारा स्टोरी को आप बकेट से संभाल सकते हैं, पानी इधर बढ़ेगा तो इधर जाएगा, इधर बढ़ेगा तो पीछे आएगा, इधर घटेगा तो पीछे आएगा, इधर घटेगा तो आगे जाएगा। तो दिस इज द अफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अगर हमने किसी भी एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को बढ़ाया इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड, किसी भी एक प्रोडक्ट को बढ़ाया इक्विलिब्रियम बैकवर्ड, रिएक्टेंट को घटाया बैकवर्ड, प्रोडक्ट को घटाया फॉरवर्ड, इट इज योर फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर इज अफेक्ट ऑफ टेंपरेचर, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पर मुझे ये देखना है कि टेम्परेचर हमारे इस इक्विलिब्रिया को किस टाइप से अफेक्ट करेगा। तो इसके लिए एक एग्जांपल के साथ हम बात करेंगे। जैसे ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, फिलहाल ये दोनों इक्विलिब्रियम में है। मीन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि हर एक रिएक्टेंट और हर एक प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, और रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों हमारा बराबर है। ये हमारा वो फॉरवर्ड रेट, ये वो मेरा बैकवर्ड रेट, ये दोनों आपस में भी इक्वल है। अगर मैं किसी भी साइड का टेम्परेचर बढ़ा दूँ, चलिए मैं सोचता हूँ मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसका टेम्परेचर मैंने ग्रो किया, तो हमारे केमिकल रिएक्शन में एक थ्योरी होती है, दैट इज कोलिजन थ्योरी। इसका कहना है कि जब तक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, कोलाइड नहीं करेगा, तब तक ओल्ड बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, और जब तक हमारा ओल्ड बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा तब तक न्यू बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगी। तो अगर मैं टेम्परेचर इसका ग्रो करता हूँ तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एक्साइटमेंट बढ़ेगी, और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अगर एक्साइट ज़्यादा हो गया तो आपस में कोलाइड ज़्यादा करेगा, प्रॉपर ओरिएंटेशन में करेगा, सफिशियंट अमाउंट की एनर्जी के साथ करेगा। तो अगर कोलिजन ज़्यादा करेगा तो ओल्ड बॉन्ड ज़्यादा टूटेगी, ओल्ड बॉन्ड ज़्यादा टूटेगी तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी, और प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगी तो इट मीन्स रेट ऑफ फॉरवर्ड हमारा बढ़ रहा है, और रेट ऑफ फॉरवर्ड अगर मेरा बढ़ा और रेट ऑफ बैकवर्ड अगर हमारा वैसा ही रहा तो रेट तो हमारा इक्वल नहीं रहेगा, इक्विलिब्रियम हमारी डिस्टर्ब होगी। तो इस केस में ये साइड टेम्परेचर को बढ़ाना चाहेगा, तो ये भी चाहेगा कि अगर मेरा भी टेम्परेचर अगर बढ़ जाए तो मैं भी इक्वल रेट पे आ जाऊंगा, क्योंकि मैंने इधर का टेम्परेचर बढ़ा के ज़्यादा कोलाइड करवा के ज़्यादा प्रोडक्ट अगर बनाया तो रेट ऑफ फॉरवर्ड बढ़ी, रेट ऑफ बैकवर्ड एज यूजुअल कांस्टेंट है, तो ये साइड भी टेम्परेचर बढ़ाना चाहेगा। इसके लिए कुछ हीट वो बाहर से लेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अगर एब्जॉर्ब करता है तो इट इज़ इंडोथर्मिक रिएक्शन, इट इज इंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि टेम्परेचर किधर भी बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स इंडोथर्मिक रिएक्शन। एब्जॉर्ब का मतलब ही हो गया इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक रिएक्शन।
टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में, किसी भी एक साइड का अगर टेम्परेचर को बढ़ा दूं, तो अगर मैं इधर का बढ़ाया तो वो भी बढ़ाना चाहेगा, और बढ़ाना चाहेगा मीन्स लेगा, और लेगा तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर मैं इधर का टेम्परेचर गिरा दिया, इधर से टेम्परेचर मैंने फॉल किया, टेम्परेचर गिराया रिएक्शन कम होगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड हमारी कम हो जाएगी, अभी कमेगी तो इसको भी वो कम करना चाहेगा, तो इसके लिए कुछ टेम्परेचर को फॉल करेगा, यानी कि यहाँ पर वो रिलीज करेगा, और रिलीज करेगा क्योंकि इसका घटा तो ये भी घटाना चाहेगा, और घटाना चाहेगा मतलब रिलीज करेगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो पहले कॉलम में हम लोग देखते हैं इंक्रीज इन टेम्परेचर टुवर्ड्स एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसका बढ़ाया ये भी बढ़ाना चाहेगा मीन्स लेगा, और लेगा एंडोथर्मिक, इसका मैंने गिराया तो ये साइड भी गिराना चाहेगा मीन्स रिलीज करेगा मतलब एक्सो। इंक्रीज इन टेम्परेचर टुवर्ड्स एंडोथर्मिक, डिक्रीज इन टेम्परेचर टुवर्ड्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इंक्रीज इन टेम्परेचर टुवर्ड्स एंडोथर्मिक, डिक्रीज इन टेम्परेचर टुवर्ड्स एक्सोथर्मिक। अब कुछ रिएक्शंस में मैं इसको डाल के देखता हूँ, हमारा एब्री केमिकल रिएक्शन जो कि रिवर्जिबल हो, फॉरवर्ड बैकवर्ड रेट में अगर होती हो, अगर फॉरवर्ड इंडो है तो बैकवर्ड एक्सो होगा, या फॉरवर्ड अगर एक्सो है तो बैकवर्ड हमारा इंडो होगा। कुछ एग्जांपल से मैं इसको देखता हूँ। इट इज़ अवर हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस अमोनिया मैन्युफैक्चर का कॉमर्शियल तरीका है। N2 एंड S2 रिएक्ट टुगेदर, इट फॉर्म अमोनिया, ऑल आर गैस। N2S2 react together, it form ammonia and 93.6 kilojoule energy released. तो energy release, so आगे से reaction XO है क्योंकि release हुआ। अब ये ammonia इतना ही heat absorb करके decompose होके N2 और S2 में आएगा, तो अगर absorb करके आएगा तो ये indo हो गई। तो अगर मैं temperature बढ़ाता हूँ, अगर टेम्परेचर में बढ़ाता हूँ तो हम लोग जानते हैं टू इंक्रीज द टेम्परेचर ये भी बढ़ाना चाहेगा मतलब इंडो होगा, तो इस रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा इंडोथर्मिक डायरेक्शन मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी, अमोनिया ज़्यादा टूटने लगेगा, फॉर्मेशन अमोनिया की कम होगी। तो हर एक केमिकल रिएक्शन अगर आगे से इंडो है तो पीछे से एक्सो, आगे से एक्सो है तो पीछे से इंडो, टेम्परेचर बढ़ाने पर यह शिफ्ट करेगा इंडो की तरफ या घटाने पर यह शिफ्ट करेगा एक्सो की तरफ। तो हमें पहले क्वेश्चन में फैक्टर देखना है कि टेम्परेचर इंक्रीज है कि डिक्रीज है, फिर रिएक्शन को देखना है कि रिएक्शन का कौन सा पार्ट हमारा इंडो है और एक्सो है, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो टुवर्ड्स इंडोथर्मिक या घटा तो टुवर्ड्स एक्सोथर्मिक। एक एग्जांपल और है आपके पास, N2 एंड O2 रिएक्ट टुगेदर, इट फॉर्म 2NO एंड अब्जॉर्ब 180 किलो जूल एनर्जी, मतलब 180 किलो जूल अगर इधर माइनस में है तो ये प्लस में है, और ये प्लस में है तो इतना लेके टूटा मीन्स इंडो। अब इतना जब ये डिकम्पोज करेगा तो इतना रिलीज करेगा, तो आगे से इंडो है पीछे से एक्सो है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो टुवर्ड्स इंडोथर्मिक की तरफ जाएगा मतलब आगे जाएगा मोर एनो फॉर्म, अगर डिक्रीज करता हूँ तो एक्सोथर्मिक की तरफ जाएगी मानी कि मोर N2O2 फॉर्म। तो ये है हमारा अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये भी बढ़ाना चाहेगा लेगा, अगर मैं घटाऊंगा तो ये भी घटाना चाहेगा छोड़ेगा टुवर्ड्स एक्सो, फर्स्ट केस में इंडो। तो ली चिटेरियर प्रिंसिपल में हमने दो फैक्टर पर बात किया, एडिशन ऑफ कंसंट्रेशन या चेंज इन कंसंट्रेशन, दूसरा अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, दूसरा मैं थर्ड पॉइंट में देख रहा हूँ अफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर वाले फैक्टर में तो पहले तो मुझे ये देखना है कि क्या वो रिएक्शन प्रेशर से अफेक्ट होगा भी कि नहीं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन प्रेशर से अफेक्ट नहीं होते हैं, बहुत सारे कम रिएक्शन होते हैं जो प्रेशर से अफेक्ट होता है। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में गैसियस मॉलिक्यूल्स सेम रहा तो प्रेशर इस रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा। कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, जैसे H2 गैस एंड I2 गैस फॉर्म 2HI गैस, ये भी गैस है। यहां ध्यान दें, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट 112, गैस का ही देखना है 112 मोल, प्रोडक्ट में 2 मोल, तो यहां नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट है, इस केस में प्रेशर रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा। अगर खाली ध्यान देना है गैसियस मॉलिक्यूल्स ही हमको उठाना है, ना कि सॉलिड ना कि लिक्विड, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में गैसियस मॉलिक्यूल्स इक्वल हो गए तो प्रेशर इस रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में गैसेस मॉलिक्यूल सेम नहीं है, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में गैसेस मॉलिक्यूल सेम नहीं है तो प्रेशर इस रिएक्शन को अफेक्ट करेगा। कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं जिसमें प्रेशर अफेक्ट करती है, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड होता है, डिकम्पोज्ड CaO जो कि सॉलिड है, प्लस CO2 जो कि गैस है,
ये रिएक्शन है प्रेशर बढ़ाने पर, प्रेशर बढ़ाने पर क्या इस रिएक्शन को अफेक्ट करेगा, तो मैं देख रहा हूँ रिएक्टेंट में सॉलिड है तो देर इज नो गैसेस मॉलिक्यूल्स, ये सॉलिड है, अब प्रोडक्ट में एक, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, ये कैसे बराबर नहीं है क्योंकि इधर तो एक भी गैसेस मॉलिक्यूल्स नहीं, इधर एक है, तो इस रिएक्शन को प्रेशर अफेक्ट करेगा। अब इसमें ये बातें तो पता चल गई कि किस रिएक्शन को प्रेशर अफेक्ट करेगा, किसको नहीं करेगा, तो जिसको नहीं करेगा तो उसमें तो प्रेशर अफेक्ट ही नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम हमारा डिस्टर्ब नहीं होगा, तो शिफ्ट अपने आप को क्यों करेगा, लेकिन अगर प्रेशर अफेक्ट किया तो अपने आप को वो मैनेज करने के लिए, इस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, अंडू करने के लिए इक्विलिब्रियम अपने आप को क्या करेगा, इस केस में अपने आप को शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स, टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स। इसको हम लोग समझ सकते हैं एक बैलून के एग्जांपल से, इस टाइप का बैलून आपने देखा है, एक लंबा जैसा बैलून, एक लंबा जैसा बैलून अगर होता है तो इस बैलून में कभी हमने देखा है कि अगर बीच में अगर ये पतला हो गया और यहाँ मोटा है, फिर इधर कहीं पतला हो गया, इधर कहीं मोटा है, तो अगर मैंने मोटा साइड चापा मतलब पुश किया मतलब प्रेशर बढ़ाया, तो जो हमारा पतला साइड है जहाँ गैसेस मॉलिक्यूल्स कम है उधर ये फूल जाती है, मतलब प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उधर शिफ्ट करेगा जिधर लेस नंबर में गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं। तो पहले हमें ये फैक्टर पे जाना है कि प्रेशर अफेक्ट करेगा कि नहीं, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में गैसेस मॉलिक्यूल सेम है तो प्रेशर अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में गैसेस मॉलिक्यूल सेम नहीं है तो प्रेशर अफेक्ट करेगा, और इस केस में प्रेशर बढ़ाने पर गैसेस मॉलिक्यूल्स इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करेंगे जिधर लेस नंबर में गैसेस मॉलिक्यूल्स है। इंक्रीज इन प्रेशर टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स, जिधर गैसेस मॉलिक्यूल्स कम है। अब हम यहां देखते हैं इसी रिएक्शन में, अगर मैं देखता हूं कि अगर ये गैस, अगर ये गैस, अगर ये गैस, तो क्या प्रेशर यहां अफेक्ट करेगा, तो प्रोडक्ट में गैसेस मॉलिक्यूल्स दो, रिएक्टेंट में गैसेस मॉलिक्यूल्स एक, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट हमारा सेम नहीं है, इस केस में प्रेशर अफेक्ट करेगा और इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा पीछे, क्योंकि एक मोल दो मोल और शिफ्ट करना है टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स, तो इधर एक दो, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। इस रिएक्शन में मैं देखूं तो इधर एक भी नहीं, तो लेस तो इधर हुआ, अगेन शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो प्रेशर अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा ये देखना है, अगर प्रेशर अफेक्ट करेगा तो उस ओर करेगा जिधर लेस नंबर में गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं। दोनों साइड आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स देखना है, बट खाली ध्यान देना है गैस का, सॉलिड का नहीं, लिक्विड का नहीं, जिधर कम पड़े इक्विलिब्रियम शिफ्ट या तो फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड, इधर कम पड़े उधर। नेक्स्ट फैक्टर इज कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर। नेक्स्ट फैक्टर इज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट इज ऑल्सो फैक्टर विच अफेक्ट द इक्विलिब्रिया, बट कैटलिस्ट के एडिशन पे हमारे इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट डायरेक्टली कंज्यूम इटसेल्फ, अपने आप को बिना कंज्यूम किए रिएक्शन रेट को बढ़ाता है घटाता है। तो कैटलिस्ट अगर हमारा फॉरवर्ड रेट को इंक्रीज करेगा तो बैकवर्ड को भी करेगा, अगर कैटलिस्ट फॉरवर्ड को डिक्रीज करेगा तो बैकवर्ड को भी डिक्रीज करेगा, इससे हमारे इक्विलिब्रिया पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो कैटलिस्ट की एक पॉइंट काफी इजिली पार होती है, कैटलिस्ट डू नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रिया, मतलब अगर ये फॉरवर्ड को बढ़ाया तो बैकवर्ड को भी बढ़ाएगा, या फॉरवर्ड को घटाया तो बैकवर्ड को भी घटाएगा, इससे हमारे इक्विलिब्रिया पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट फैक्टर एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, नो इफेक्ट, अगर कैटलिस्ट हमारे इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया ही नहीं तो इक्विलिब्रियम अपने आप को शिफ्ट कैसे करेगा, तो इक्विलिब्रिया रिमेंस अनचेंज्ड, इक्विलिब्रियम हमारा शिफ्ट ही हमारा किधर भी शिफ्ट नहीं करता है, इक्विलिब्रियम हमारा मैनेज होता है, मैंने कैटलिस्ट हमारे इक्विलिब्रियम को छेड़ता नहीं है, डिस्टर्ब इसको नहीं करता है। लास्ट फैक्टर आया एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय इनर्ट गैस, इनर्ट गैस क्या है, वो गैस जो किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स या किसी भी प्रोडक्ट मॉलिक्यूल से डायरेक्टली कोई रिएक्शन नहीं करता है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, दीज आर द इनर्ट गैस, इनर्ट गैस आर द गैस व्हिच नॉट डायरेक्टली केमिकली रिएक्ट विद एनी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, ये इनर्ट गैस होती है। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और उसमें इनर्ट गैस मैं ऐड करूं, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो क्लोज कंटेनर होगा, रिवर्सिबल होगा, कंसंट्रेशन हर एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कांस्टेंट होगा, रेट हमारा फॉरवर्ड बैकवर्ड का बराबर होगा, और यहां पर कोई इनर्ट गैस ऐड करने के लिए बोला, लेकिन दो कंडीशन यहां होती है, एक इनर्ट गैस का एडिशन बट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, सेकेंड केस एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पर दो केस हमें देखना है, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, दूसरा एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस फर्स्ट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, चलिए पहले इस फैक्टर में बात करेंगे, अगर इनर्ट गैस मैंने ऐड किया
वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ प्रेशर हमारी बढ़ेगी, बट हमने ऐड किया है इनर्ट गैस, तो इनर्ट गैस हमारे किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सर किसी भी प्रोडक्ट मॉलिक्यूल से पर्सनली कोई रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब इनर्ट गैस ऐड करने पर पार्शियल प्रेशर ऑफ इच रिएक्टेंट एंड इच प्रोडक्ट रिमेन्स अनअफेक्टेड एंड वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट देन द टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर इंक्रीजेस। यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि अगर ये मेरा ए बी रिएक्टेंट है, सी डी मेरा प्रोडक्ट है और सिस्टम हमारा पूरा क्लोज है, एडिशन गैस मतलब इनर्ट गैस मैंने ऐड किया, तो इनर्ट गैस ऐड करने पे अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो प्रेशर बढ़ेगा, इस कंटेनर का प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन पार्शियल प्रेशर ए का, पार्शियल प्रेशर बी का, पार्शियल प्रेशर सी का, पार्शियल प्रेशर डी का ये अफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि आपने डाला है इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इनर्ट गैस टोटल प्रेशर तो बढ़ाया, द टोटल प्रेशर ऑफ कंटेनर इंक्रीज्ड, बट पार्शियल प्रेशर ऑफ इच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स अनअफेक्टेड, क्योंकि नेचर है इनर्ट गैस, ये पर्सनली किसी भी रिएक्टेंट या किसी भी प्रोडक्ट से कोई रिएक्शन नहीं किया, तो अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ इच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज अनअफेक्टेड देन इक्विलिब्रिया नॉट डिस्टर्ब, हमारा इक्विलिब्रिया डिस्टर्ब भी नहीं होगा, अगर इक्विलिब्रिया डिस्टर्ब नहीं होगा तो अपने आप को शिफ्ट नहीं करेगा। तो फर्स्ट केस हमारा ये था कि अगर मैं इनर्ट गैस ऐड करूं और वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रखूं तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ प्रेशर बढ़ेगा, बट टोटल कंटेनर का पूरा सिस्टम का, बट पार्शियल प्रेशर ऑफ इच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स अनअफेक्टेड। तो जब पार्शियल प्रेशर हमारा दोनों रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का अनअफेक्टेड है तो इससे हमारे इक्विलिब्रिया पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम नो अफेक्ट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर बढ़ा, बट इच रिएक्टेंट प्रोडक्ट का नहीं, टोटल कंटेनर का, और टोटल कंटेनर का अगर प्रेशर बढ़ा तो इससे हमारा पार्शियल प्रेशर इज अनअफेक्टेड, और पार्शियल प्रेशर ऑफ इच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज अनअफेक्टेड देन इक्विलिब्रिया नो नॉट डिस्टर्ब, इक्विलिब्रिया हमारा डिस्टर्ब हुआ नहीं, हमारा इक्विलिब्रिया मैनेज है, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन एक फैक्टर है कि अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट रखूँ, तो अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट रखूँगा तब तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स। माना इनर्ट गैस हर एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के साथ पर्सनली कोई रिएक्शन नहीं किया, लेकिन वॉल्यूम हमारी बढ़ गई, अब वॉल्यूम अगर हमारा बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज, क्योंकि पहले उतने ही रिएक्टेंट और उतने ही प्रोडक्ट छोटे स्पेस में थे, अब उतने ही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बड़े स्पेस में हो गए, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज। माइंड करना यहाँ कि पहले उतने ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स उतने ही प्रोडक्ट मॉलिक्यूल छोटे स्पेस में थे, बट इस बार अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट रखा तो वॉल्यूम बढ़ गई, अब वॉल्यूम बढ़ गई तो अब उतने ही रिएक्टेंट उतने ही प्रोडक्ट ज्यादा वॉल्यूम में आ गई है, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो सेम था पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज, पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज। तो इस स्ट्रेस को काउंटर बैलेंस करने के लिए इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करेगा जिधर लार्ज नंबर में गैसियस मॉलिक्यूल्स है। माइंड करना है इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करेगा जिधर लार्ज नंबर में गैसियस मॉलिक्यूल्स है। यहां पर एक एग्जांपल से देखा जा सकता है, जैसे को रिएक्शन में उठाता हूं, SO2 प्लस ओ टू इक्विलिब्रिया गिव्स एसओ थ्री, रिएक्शन हमारा बैलेंस अगर नहीं है इसको बैलेंस हम कर देते हैं, ऑल आर गैस 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 गैस। इस केस में अगर इनर्ट गैस ऐड करना है और प्रेशर रखना है कांस्टेंट, इस केस पे एडिशन ऑफ इनर्ट गैस बट प्रेशर होना चाहिए कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, अब वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इच रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिमेंस अनअफेक्टेड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा लेकिन वॉल्यूम हमारी बढ़ गई, देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर गया। तो इस स्ट्रेस को काउंटर बैलेंस करने के लिए इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करेगा जिधर ज्यादा नंबर में गैसेस मॉलिक्यूल्स है, मतलब दो और एक तीन, इधर मिला दो, तो इक्विलिब्रियम अपने आप को शिफ्ट करेगा बैकवर्ड। तो ये था हमारा ली चिटजर प्रिंसिपल के पांचों फैक्टर। एक बार फिर से ली चिटजर प्रिंसिपल होता क्या है, अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और कोई भी अफेक्टिंग फैक्टर लाइक कंसंट्रेशन टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट इनर्ट गैस अगर हमारे इक्विलिब्रिया को डिस्टर्ब करता है तो इक्विलिब्रियम के पास खुद की टेंडेंसी होती है कि इस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, अंडू कर देगा। दिस फैक्टर इज कॉल्ड ली चिटजर प्रिंसिपल और फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा आयनिक इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का तीन वीडियो आपका हुआ 1, 2, 3, जिसमें आपने केमिकल इक्विलिब्रियम को देखा है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगा इक्विलिब्रियम 2, दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम। थैंक यू।